तो विस्कोसिटी के अंदर ये फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था फ्रिक्शनल फोर्स का, इसके बेस पे हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। न्यूमेरिकल्स के बाद हमने कंपैरिजन पे शुरू करना है कि ये क्वेश्चन लास्ट टाइम कर लिया था हमने, कंपैरिजन बिटवीन विस्कस फोर्स एंड सॉलिड फ्रिक्शन। विस्कस फोर्स क्या होता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लिक्विड के अंदर, और सॉलिड फ्रिक्शन क्या है? जो सॉलिड की फ्रिक्शन लास्ट टाइम की थी लॉज ऑफ मोशन में। दोनों में क्या डिफरेंस है, जबकि दोनों हैं तो फ्रिक्शन। तो पहला डिफरेंस है या सिमिलैरिटी है पहली, कि बोथ विस्कस फोर्स एंड सॉलिड फ्रिक्शन कम्स इनटू द प्ले व्हेन देयर इज सम रिलेटिव मोशन। सॉलिड फ्रिक्शन भी तब होता है जब अर्थ है और कोई ब्लॉक मूव कर रहा है, तो रिलेटिव मोशन है। और लिक्विड फ्रिक्शन भी तभी है जब लेयर्स के बीच में एक स्पीड स्लो है और एक की स्पीड तेज है, तो रिलेटिव मोशन है, तो फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगी। नेक्स्ट है बोथ अपोजिज मोशन, तो मोशन को क्या करती हैं? दोनों अपोज करती हैं, सॉलिड भी और लिक्विड भी मोशन को अपोज करती हैं। एंड बोथ आर ड्यू टू मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, तो मॉलिक्यूल में बॉन्ड बनते हैं, तो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन की वजह से ये फोर्स है। तो जब दो लेयर्स मूव करती हैं, एक तेज और एक स्लो, तो क्या हो जाता है? रिलेटिव मोशन की वजह से ये जो इनके बीच में जो फोर्सेज हैं उसको हमने क्या करना होता है, इन बॉन्ड्स को ब्रेक भी करना होता है, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस हैं तो इसको ओवरकम करना होता है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्ट करती है। अगर हम बात करते हैं डिफरेंस की, तो लिक्विड फ्रिक्शन में विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ लेयर इन कॉन्टैक्ट, तो ये जो फोर्स है वो एरिया पे डिपेंडेंट है, जबकि सॉलिड फ्रिक्शन एरिया पे डिपेंडेंट नहीं थी। नेक्स्ट है लिक्विड फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द टू लिक्विड लेयर्स, तो रिलेटिव वेलोसिटी के जो है जो विस्कस फोर्स है, जो लिक्विड फ्रिक्शन है सॉरी, वो डीवी के प्रोपोर्शनल है। डीवी का मतलब है रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी का डिफरेंस है, जबकि सॉलिड फ्रिक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी है, वेलोसिटी का सॉलिड से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है लिक्विड फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, तो लिक्विड जो फ्रिक्शन है वो नॉर्मल रिएक्शन के इंडिपेंडेंट है, और सॉलिड फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, तो ये इनके बीच में डिफरेंसेस है।